यात्रा की शुरुआत भी बहुत शानदार हुई है, पूरे देश के लोग यहाँ आए हैं, बहुत शानदार आगाज हुआ इसका। आप देखो कितना उत्साह लोगों के अंदर चलने के अंदर, और विशेष मकसद से जो हो रही है, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए, एकता के लिए, उसके मकसद ही ऐसा है कि यात्रा तो कामयाब होगी होगी, मकसद ही शानदार है। जिसके लिए राहुल गांधी जी ने कल कहा था श्री पेरम्बदूर के अंदर, पहले वो आए साबरमती आश्रम गए, सत्य अहिंसा की जो पावन स्थल है वहाँ शुरुआत करी। श्री पेरम्बदूर गए, उन्होंने कहा मेरे पिता की हत्या यहाँ पर हुई है, वो घृणा के भय के शिकार बन गए। मैं इस देश को घृणा का, डर का, हिंसा का शिकार नहीं बनने दूंगा। जो मकसद उनका इतना बड़ा है तो यात्रा तो बहुत कामयाब होगी होगी। काउंटर साइड की परवाह मत करो बाप, काउंटर साइड तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब वो घबरा गए हैं। उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद में वो बुखला गए हैं, बुखला करके वो कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी हिंदुस्तान की बात करते हैं, कभी यात्रा के बारे में कमेंट करते हैं। उनको को शासन करें अपना ढंग से, महंगाई की बात सोचे, महंगाई कम कैसे करें, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हाहाकार बन गया, उसकी बात वो सोचे, यात्रा को राहुल गांधी के लिए छोड़ दें। देखिए तो देखिए, हम लोग सब राजनीति में हैं, कोई साधु संतों कोई है नहीं, पर हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, तो हम अपनी बात करते हैं, वो अपनी बात करे, यात्रा हो या कोई कार्यक्रम हो, हर पार्टी चाहती है मैं मेरा मैसेज जो मेरी विचारधारा है उसके आधार का मैसेज मैं पब्लिक को दूं। फैसला पब्लिक करती है, माई बाप तो पब्लिक होती है, वो फैसला करती है किस पार्टी को हमें सपोर्ट करना या स्वीकार करना या कामयाब करना, उनके ऊपर निर्भर करता है। So when you're telling that there are some, you know, some issues going on in the party, even Kerala KPCC president Sudhakaran tell that G20, the Gandhi family is not even ready to listen to the G23 leaders. Yesterday he made a statement. ये देखिए, मैंने कहा देखिए, डेमोक्रेसी में हर बड़ी पार्टी में कुछ कुछ कॉमन होते रहते हैं। जब गडकरी जी को अभी ड्रॉप किया, शिवराज सिंह जी को ड्रॉप किया, तो कई कॉमन होने लग गए पार्टी के अंदर ही, तो कोई ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात करता है, कोई गोपन बोल देता है। डेमोक्रेसी है, कांग्रेस के अंदर ज़्यादा बोल देते हैं हम लोग।